सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, कि कोई भी लिक्विड का जो टॉप का सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, वो स्ट्रेच होता है और अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। अब ये कमाल की बात है, ऐसा कब होता है? मैं अगर पानी का गिलास पी रहा हूँ तो कहाँ दिखता है कि वो पानी का सरफेस स्ट्रेच हो रहा है? मैंने तो कभी देखा नहीं, ठीक। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब दिखती है और कैसे दिखती है, इसको मैं प्रैक्टिकली डेली रूटीन में कहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मेजरली मेरे को ये बताना है कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें टॉप के मॉलिक्यूल, जो सिर्फ टॉप के मॉलिक्यूल जो एयर के कॉन्टैक्ट में है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो पास आ जाते हैं। जब वो पास आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं, पर वो मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर, स्किन की तरह काम करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कोई लिक्विड ज़्यादा शो करता है, हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और कोई कम करता है, हम बोलते हैं सरफेस टेंशन कम है। तो ये क्यों ऐसे प्रॉपर्टी शो करता है कोई लिक्विड? और दूसरी चीज़, ये लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो ही ये प्रॉपर्टी शो की जाती है, मूविंग लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, रेस्ट पे पड़े हुए लिक्विड में होती है। ये क्यों होती है, ये मेम्ब्रेन की तरह कैसे एक्ट करता है, ये एरिया को क्यों मिनिमाइज करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। लेकिन ये चैप्टर एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है, जिस डेफिनेशन का पहला नाम है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स, एक टाइप के मॉलिक्यूल और दूसरे सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। पेंट ले लो, पेंट, पेंट का मॉलिक्यूल और दूसरे पेंट के मॉलिक्यूल की फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। मरकरी का मॉलिक्यूल, मरकरी के मॉलिक्यूल को जो फोर्स लगाएगा वो कोहेसिव फोर्स है, सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं। एडहेसिव का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे मेरे हाथ का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एडहेसिव फोर्स है। पेंट का मॉलिक्यूल और दीवार का मॉलिक्यूल एडहेसिव फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होती है पेंट के मॉलिक्यूल में। पेंट का मॉलिक्यूल दीवार के मॉलिक्यूल को जाके जबरदस्त तरीके से चिपक जाता है, तभी तो पेंट हो पाता है, नहीं चिपकेगा पेंट कहां से होगा? मरकरी का पेंट मारोगे चिपकेगा ही नहीं, मरकरी नीचे गिर जाएगी, ठीक। तो एडहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है। चौक और जो ब्लैक बोर्ड है उसके बीच में एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव डालते हैं उसमें ताकि वो चौक का मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाए, ठीक। हम बोलते नहीं है इसमें एडहेसिव डाल लो, टाइल्स या छत लीक हो रही है इसमें एडहेसिव डाल दो, एड में आता है कि ये एडहेसिव आता है इस कंपनी का। एडहेसिव का मतलब जो चिपका देता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकता है। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? मॉलिक्यूलर रेंज है कि अगर आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, राइट, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो अपने पड़ोस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, खींच सकता है, तो वो कितनी दूरी तक खींच सकता है उसको रेंज बोलते हैं। नॉर्मली ये रेंज 10^-9 मीटर तक होती है। तो रेंज 10^-9 मीटर है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी दूरी तक खींच सकता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया नॉर्मल ये डिस्टेंस 10^-9 मीटर तक रहती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूल है। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कि अगर आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, और मैं एक इसके आसपास एक स्फेयर ड्रॉ करता हूँ, इसको सेंटर मानते हुए, जो स्फेयर है उसका रेडियस क्या लेता हूँ? उसका रेडियस लेता हूँ जितनी एक मॉलिक्यूल की रेंज है, और रेंज जैसे मान लो 10^-9 मीटर है, तो इस स्फेयर को क्या बोलते हैं? स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या चीज़ है? एक रेंज है। रेंज का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी दूरी से अट्रैक्ट करता है उसकी रेंज है, और रेंज को रेडियस मानते हुए अगर हम एक स्फेयर बनाएं तो उस स्फेयर को क्या बोलते हैं? स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है सरफेस फिल्म क्या होती है? सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म है कि अगर आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड के जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल टॉप के मॉलिक्यूल्स, अब टॉप के मॉलिक्यूल्स कहां तक लूं? अब टॉप के मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल भी है, ये मॉलिक्यूल, ये भी टॉप के हैं, ये भी टॉप, कहां तक टॉप मानते हो? तो टॉप है कि जो बिल्कुल सरफेस की लेयर है, और ये जो डिस्टेंस है, अगर वो मॉलिक्यूलर रेंज ली जाए, रेंज कितनी है मान लो 10^-9 मीटर, तो इतने डिस्टेंस में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे हम बोलते हैं ये क्या है? एक लिक्विड की फिल्म है। तो फिल्म का मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड की टॉप की सरफेस को फिल्म बोलते हैं। फिल्म की जो विड्थ होती है वो क्या होती है? जितनी मॉलिक्यूल की रेंज होती है उतनी ही उसकी विड्थ मानी जाती है।
तो टॉप की सरफेस को फिल्म बोलते हैं, लिक्विड फिल्म काफी बार यूज करेगा इस चैप्टर में, लिक्विड फिल्म, लिक्विड फिल्म। तो लिक्विड फिल्म का मतलब है टॉप के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फिल्म की कैटेगरी में डालते हैं। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये लिक्विड फिल्म है, राइट?